हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के दोस्तों Q2 रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट कंपनी ने अभी किया है। वेरी शॉकिंग और आउटस्टैंडिंग लेवल के रिजल्ट हैं। जो भी निवेशक DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के शेयर खरीद कर बैठे हो या खरीदना चाहते हैं, तो उन सभी को कंपनी के पूरे यहाँ पर रिजल्ट देख लेने चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा है और आपको यहाँ पर देखने के बाद में बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट में जो अनाउंसमेंट हुआ है वो सबसे बढ़िया है रिजल्ट का। बाकी दूसरे अनाउंसमेंट कोई देखने को नहीं मिलते हैं। सभी फिगर्स इन दोस्तों मिलियन में है। और पहले यहाँ पर हम DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के जो स्टैंडअलोन रिजल्ट है उसको स्टडी करेंगे। टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त इनकम प्रेजेंट की है स्टैंडअलोन बेसिस पर। सितंबर 2022 में यहाँ पर DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी का टोटल इनकम था 1803 मिलियन का। दोस्तों वो यहाँ पर सितंबर 2023 में 3212 यहाँ पर मिलियन का हो चुका है। यानी आप देख सकते हैं 1803 मिलियन से 3212 मिलियन, यानी बहुत ही बड़ी और रैपिडली ग्रोथ दिखाई देती है कंपनी के अंदर। तेजी से परफॉर्मेंस किया है अच्छा। और ये जो आपको लगता होगा कि ये इनकम क्यों देखना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, इनकम में अदर जो रेवेन्यू का सोर्स है वो एक फैक्टर इंक्लूड होता है, और ऑपरेशन जो एक्चुअल जो कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, जो कंपनी सेल करती है, उसका यहाँ पर जो अमाउंट है वो इंक्लूड होता है। सेल्स जो होकर बचे वाले पैसे जो होते, सेल्स करने के बाद में जो आते हैं पैसे, वो तो इसलिए कंपनी के जो टोटल इनकम को देखना इसलिए ज़रूरी है कि बताता है इनकम की कंपनी कितना अपना बिजनेस इंप्रूव कर पा रही है। दोस्तों जून यहाँ पर 2023 में देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर जो इनकम था वो था कि 1813 ओनली मिलियन में। वो बढ़कर कितना हो गया है सितंबर 2023 में 3212। तो गजब की इम्प्रूवमेंट क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर इनकम में आपको स्टैंड अलोन रिजल्ट में दिखाई देगी DCX सिस्टम लिमिटेड के अंदर। अब यहाँ पर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें फॉर द पीरियड, तो गजब का प्रॉफिट है। कंपनी पिछले साल कमा रही थी ओनली 78 मिलियन का नेट प्रॉफिट, वो बढ़कर 204 मिलियन का हो गया है। यानी आप देख सकते हैं डबल इम्प्रूवमेंट कंपनी ने कर दिखाई, गजब की। और उसी के साथ अगर आप क्वार्टरली देखेंगे 98 जो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का मिलियन में नेट प्रॉफिट था, वो 204 मिलियन हो गया। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर रिजल्ट हम कह सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देख सकते हैं, 1.02 से 2.11 हो गया है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। एंड यहाँ पर आप चाहे तो क्वार्टरली देख सकते हैं, 1.02 से डायरेक्टली 2.11। यानी कि दोस्तों कंपनी के रिजल्ट लाजवाब दिखाई देते हैं स्टैंडअलोन बेसिस पर। अब बात होगी कंसोलिडेट रिजल्ट के बारे में, तो कंसोलिडेट रिजल्ट में अल्सो कंपनी यहाँ पर DCX सिस्टम लिमिटेड शानदार ही दोस्तों इनकम कमा रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मुझे तो पढ़कर बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ नंबर को कंपेयर करेंगे ईयरली या क्वार्टरली, तो भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कंसोलिडेट कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के डिटेल्स है उसको डायरेक्टली स्टडी करते हैं, तो बिल्कुल आपको कंसोलिडेट रिजल्ट में अल्सो DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी का 78 जो मिलियन का नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 198 होते हुए नजर आएगा। और दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर 95 मिलियन का जो नेट प्रॉफिट था वो 198 होते हुए नजर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के रिजल्ट एक तो स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट के अंदर सुप्रीम परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि DCX सिस्टम लिमिटेड का जो शेयर है वह भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 273 रुपये पर।
अभी सभी को लगता होगा कि सर रिजल्ट तो आप बोल रहे हैं कि बहुत ही शानदार आए हैं और स्टॉक के अंदर 3.5% की गिरावट। तो देखिए दोस्तों, ये रिजल्ट अभी आए हैं, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद में आपको रिएक्शन कल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। और ऐसे भी हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिस्कस करते तो आपकी नज़रें यहाँ पर छोटे मोटे तेज़ी या गिरावट पर नहीं रहनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के वैसे आप सोचने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलरेडी ये स्टॉक देखिए पैसे दुगने कर चुका है और उसके बाद में थोड़ा करेक्शन हो भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए दोस्तों, आप 100% कमाकर 20-25% से घबराते हैं तो आप मल्टीबैग रिटर्न नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन स्मॉल कैप के अंदर आते हैं और जितना तेज़ी से रिटर्न दिखाई देते हैं उतने तेज़ी से स्टॉक के अंदर करेक्शन भी हमें दिखाई दे सकते हैं। हमारा माइंड सेट बिल्कुल सेम यहाँ पर तैयार रहना चाहिए सिचुएशंस के लिए। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर और किस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किए। देखिए, रिजल्ट ही एक फैक्टर होता है जो कंपनी को पुश करता है आने वाले समय में ग्रोथ करने के लिए।